94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां PCMA एग्ज़िबिशन 2022 लगी है, यानी यहां पाकिस्तान केमिकल के हवाले से एग्ज़िबिशन है, जहां पूरे पाकिस्तान से जो डीलर हैं केमिकल के हवाले से वो आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक इंटरनेशनल ब्रांड है रिलायंस, और उनके मैनेजर आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। प्लीज टेल मी योर नेम। आई एम मोहम्मद वकास। मोहम्मद वकास भाई, प्लीज टेल योर अबाउट ब्रांड, व्हाट्स योर ब्रांड नेम? देखिए, हमारा जो नाम है वो रिलायंस पेट्रोकेम पाकिस्तान बेस्ट कंपनी है, और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है रिलायंस वाइट ऑयल की प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें वाइट ऑयल के बहुत सारे ग्रेड्स हैं। इसके अलावा सॉल्वेंट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है, और वाइट फ्लक्स है, 3-4 प्रोडक्ट्स हमारे पास मजीद सॉल्वेंट्स में भी होते हैं, तो वो हम पाकिस्तान में भी पायनियर हैं इस किस्म के मामलात में। अच्छा, कितना टाइम हो गया है इसमें आपको फील्ड में? पर्सनली मेरा पूछ रहे हैं या मैं? मुझे तकरीबन 2006 से मेरी ये है, 2006 से मेरा ऑयल का एक्सपीरियंस था, 2015 तक मैंने एक जगह पे जॉब की, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पर रिलायंस में हूँ। अच्छा सर, आज एक्सपो का पहला दिन है, ये केमिकल के पाकिस्तान केमिकल के जो हवाले से काम हो रहा है, कैसा इम्पैक्ट है? अभी तक तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, पब्लिक भी आ रही है, और काफ़ी बिजनेस टू बिज़नेस, क्योंकि ये एक वो है, तो काफ़ी अच्छे लोगों से मुलाकात भी हो रही है, बिज़नेस एक्सपेंशन की तरफ भी इंशाल्लाह इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहिए नए लोग आपसे तो क्या मेथड है? सर, हमारा ब्रोशर है, बाकी नंबर है, वेबसाइट पूरी बनी हुई ReliancePetrochem.com के नाम से, तो आप जाएँ वहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब कुछ है, कराची बेस्ड कंपनी है, तो आप रब्ता करें बिल्कुल। नाज़रीन, इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टॉल है यहाँ एक्सपो में, और एक्सपो का फर्स्ट डे है, तो हमारे से एक बड़ी खूबसूरत सेलिब्रिटी है जो बिज़नेस के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम अलाउद्दीन है और मैं कराची से आया हूँ। अच्छा, आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा बताएं, व्यूवर्स आपको देख रहे हैं। सर, ब्रांड्स जो हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, ये सारे हमारे पास जो हैं वो इंटरनेशनली ब्रांड हैं, और ये सारे इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं, और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई एजेंसियाँ भी जो भी होती हैं वो 20 वीक के अंदर, 20 वीक, 30 वीक के अंदर इंपोर्ट कर देती हैं। इतनी देर के अंदर यहाँ पर कोई कोटेशन नहीं मिलती, उतनी देर के अंदर हम इंडस्ट्री के अंदर पंप प्रोवाइड कर देते हैं और इंडस्ट्री रन होनी शुरू हो जाती है। यानी कि इतना फास्ट काम करते हैं जी, और हमारा जो काम है 24/7 का है, हम जो सर्विस देते हैं, और पंप्स के हवाले से हमारे पास जो एक्सपीरियंस है वो 42 ईयर्स का है। अच्छा, तकरीबन कितनी कंपनी, आपने भी कहा कि हमारा अपना ब्रांड नहीं, हम काम करते, तकरीबन कितनी कंपनियों के लोग आपके साथ अटैच हैं? जो राउंड अबाउट जो तकरीबन वैसे जो हमारे पास जो लिस्टेड हैं वो तकरीबन 550 इंडस्ट्रीज़ को हम देते हैं जो हमारे पास कॉन्टेक्ट में हैं, जो हमारे पास राइटिंग में लिखे हुए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, कुछ रनिंग कस्टमर आते हैं, वॉकिंग कस्टमर आते हैं, उनके कोई डाटा हमारे पास नहीं होते, मगर इंडस्ट्रीज़ को हम तकरीबन 550 से 600 इंडस्ट्री को सामान सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी अब कर रहे हैं जी, लेटेस्ट पे भी कर रहे हैं और पुराने में भी चल रहा है काम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मेरा नाम अजीम है। अजीम भाई, अभी बताएं कि अगर किसी ने कॉन्टैक्ट करना हो आपसे, जो कंपनी आपसे अटैच हैं और व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, जो नए लोगों की ट्रैफिक भी आपके साथ ऐड होनी हो, तो क्या मेथड है? फर्स्ट मेथड ये है कि नंबर बाय नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेकंड ये है कि फेसबुक के पेज पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थर्ड ये है कि वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जरा फ़ोन नंबर और वेबसाइट जरा बता दें। अच्छा, मेरा फ़ोन नंबर है 0332210431, और फेसबुक का पेज बेहतर है, फेसबुक का पेज विजिट करें क्योंकि उसके ऊपर डेली अपडेट्स आ रही होती हैं,
जो भी स्टॉक हमारे पास इंपोर्ट होकर आ रहा होता है उसको हम डेली अपडेट कर रहे होते हैं, तो उसका आप नेम नोट कर लें, अलाउद्दीन एंड सन्स पंप्स एंड मशीनरी। नाज़रीन, एक और कंपनी के सीईओ हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? उस्मान लतीफ। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले मैंने ब्रांड के बारे में व्यूअर्स को बताएं। एस्पेंटेक ये एसेट ऑप्टिमाइजेशन की कंपनी है। वी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू प्रोसेस इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर्स, माइनिंग। तो कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? इस फील्ड में तकरीबन 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे आप कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों के साथ भी आप काम कर रहे हैं? जी जी, इंटरनेशनली लाइक जितने वर्ल्ड वाइड कंपनीज हैं, मैं सऊदी बेस्ड हूँ, अरामको, साबिक, दे आर ऑल ओवर कस्टमर्स, और पाकिस्तान के अंदर भी जितनी रिफाइनरीज हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर, दे आर ऑल ओवर कस्टमर्स। अच्छा, आज फर्स्ट डे एक्सपो का आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्वाइट इम्प्रेस्ड, फर्स्ट टाइम आई एम हेयर इन पाकिस्तान इन दिस कॉन्फ्रेंस, तो वेरी इम्प्रेसिव। तो आप aspentech.com जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे यू कैन फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन। नाज़रीन, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। तो कहाँ से आप लोगों का? हम मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के केमिकल डिपार्टमेंट से हम आए हैं यहाँ। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में आप थोड़ी अवेयरनेस दें लोगों को। जी, ये आपको नज़र आ रहा है पीछे, ये एक ड्रिलिंग रिग है जो ज़ेर ज़मीन पेट्रोलियम और उसके जो कंपोनेंट्स है उनको निकालने के लिए, और बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत मुश्किल टेक्नोलॉजी है ये। हमारे वहाँ पे लैब्स में, रिसर्च में हम ये जो इंडस्ट्रीज़ को मसाइल पैदा हो रहे हैं, जो मसाइल उनको आने वाले हैं जब वो ड्रिलिंग शुरू करेंगे, तो वो मसाइल हैं वो हम तमाम अवेयरनेस उनको देंगे, और जो प्रॉब्लम्स उन्हें आएंगे इंशाल्लाह हम अपने लैब्स में, हम अपने रिसर्च में उनको जो है हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपनी एक तैयारी के साथ रिग में जाएंगे। इससे पहले आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इस चीज़ का? जी बिल्कुल, हम इसकी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। हमारे बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे जाते हैं, हमारे बच्चे इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, OGDCL में जाते हैं, जो बेसिक जो पाकिस्तान में इस वक्त ड्रिलिंग का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है उनके साथ हमारे बच्चे जाके काम करते हैं, वहाँ से ये सब कुछ सीख कर बच्चे हमारे आते हैं। आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो क्या मेथड है? जी, मीर चाकर खान रिंद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सगीसरवर रोड पे है 12 किलोमीटर, और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो व्हाट्सएप पे आप मैं बता रहा हूँ, नीचे आ रहे होगी स्क्रीन पे, 0332-624-7431। कोई भी ड्रिलिंग के हवाले से, सेपरेशन फ्लूइड, 3-phase fluid सेपरेशन के हवाले से कोई भी मसाइल हो, हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर्स में उन मसाइल का हल निकालेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त एक्सपो का फर्स्ट डे और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ शेख मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? डॉक्टर महमूद सलीम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टेक्नोलॉजी, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, बताएं ज़रा। देखिए, अगर हम बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर बात करें, तो अगर हम कहें ना कि ये मैं अगर एज ए ह्यूमन यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे सर के बालों से लेकर मेरे पाँव तक ये जितनी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इनका ताल्लुक केमिकल इंडस्ट्री से है। इट्स अ वन वे आर अदर मेड थ्रू केमिकल प्रोसेस। तो ये केमिकल और केमिकल इंडस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि ये हम हर वक्त केमिकल्स के दरमियान रहते हैं। हाँ जी। तो प्लीज टेल मी व्हाट्स डिफरेंस है दिस मशीनरीज। अब देखें ना, जो केमिकल बनाना है वो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। तो ये जो आपको पीछे दो मॉडल नज़र आ रहे हैं, ये दो केमिकल प्रोसेस के हैं जो रिफाइनरीज में यूज़ होते हैं। ये इस तरफ आपको ये मॉडल है रिग का, यानी अगर हमने ऑयल ज़मीन से निकालना है तो उसके लिए जो कुआं खोदा जाता है उसके लिए इससे मिलती जुलती रिग्स इस्तेमाल होती हैं। तो हम जो पेट्रोलियम के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये पूरा रिग का मॉडल है। इधर उधर ये आप देखिए, ये नीचे सॉइल की फिजिकल है कि मुख्तलिफ लेयर्स हैं, और फिर ये ड्रिलिंग सिस्टम है। तो ये फिर जब ये ड्रिल हो जाता है वेल, और उससे से क्रूड ऑयल निकलता है, तो क्रूड ऑयल में ऑयल भी होता है, सैंड सॉइल भी होती है, और पानी भी होता है, और गैसेस, उनको सेपरेट करने के लिए फिर ये 3-phase सेपरेटर टेक्नोलॉजी है। ये सारी वेल हेड पे लगी होती है। तो ये दूसरा मॉडल है, ये दोनों वर्किंग मॉडल है, और मीर चाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ने बनाए। अच्छा, इसके एक्सपेरिमेंट में किस हद तक सक्सेस हुए आप? किस एक्सपेरिमेंट में? दोनों में। ये तो मुकम्मल सक्सेस है। अच्छा, और ये मॉडल्स दोनों सक्सेसफुल हैं और चल रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है जी। अभी कितना टाइम हो गया कि ये मार्केट के अंदर इन है? नहीं, ये सिर्फ ट्रेनिंग मॉडल्स हैं। अच्छा, हाँ, ये अभी सिर्फ ट्रेनिंग तक ही है। जी, ट्रेनिंग। अच्छा, फ्यूचर में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपको देखने वाले हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें मैसेज दें इस वाले से? जी, मैं ये गुजारिश ये करूँ
कि देखें पाकिस्तान जब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के लिए स्ट्राइव कर रहा है तो केमिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है और ये वो सेक्टर है जिसमें मिट्टी को सोना बनाया जाता है। ठीक है, यानी आप एक रुपये की मिट्टी लेंगे या रॉ मटेरियल लेंगे और उसे वैल्यू एडिशन कर भी 1,000 रुपये की चीज़ बना सकते हैं। अब इस सारे के अंदर हमें वो एक मैं ये कहता हूँ कि रिसर्च इकोनॉमी इस्टेब्लिश करनी है जिसके अंदर हम अपने रॉ मटेरियल से या बाहर से रॉ मटेरियल मंगाएं, यहाँ पर हमारे प्लांट्स हों जो उनको वैल्यू एडिशन करें और फिर वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करें। इससे हम अपना जो है इंपोर्ट बिल कम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जो इस वक्त हम सारा माशी मुश्किलात का शिकार हैं उसमें से बहुत हद तक निकल सकते हैं। क्योंकि हमें सबसे बड़ी मुश्किल है कि आज हम अगर केमिकल बनाते हैं तो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे जो इनलैंड ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान में मौजूद रिसोर्सेज को या मिनरल्स को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। इस मोहताजी से हमें निकलना है और इसके लिए जो पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने ये जो एक्सपो का इनकाद किया है ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप है जहां एकेडेमिया और तमाम केमिकल इंडस्ट्री और ज़रूरी स्टेक होल्डर्स वो एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं। आज हम ये 2 दिन वहां मिलेंगे, बातें करेंगे, देखेंगे कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हम आपस में कल से हम काम कर रहे हैं तो हमारी निगोशिएशन हो रही हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्टों को मिल रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं कि उनकी क्या नीड है, वो हमसे बात कर रहे हैं कि हम उनको क्या ऑफ़र कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं, वो ये देख रहे हैं कि कल उनका फ्यूचर कहाँ है। तो इस लिहाज से ये एक यूँ समझ लें कि मौसम बदलने वाला काम है। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि डॉक्टर साहब ने जो इन्होंने जो मॉडल बनाए उनके बारे में आपको अवेयरनेस दी। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन एक और आउटलेट में यहाँ आए और एक्सपो का फर्स्ट डे के बारे में इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम आपका? इरफान जमील। इरफान भाई, सबसे पहले आज एक्सपो का फर्स्ट डे है उसके बारे में आप बताएँ कि कैसा चल रहा है। बेसिकली ये केमिकल एक्सपो के नाम से एग्जीबिशन है जिसमें तमाम पाकिस्तान की जितने भी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज हैं केमिकल्स की, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। हम बेसिकली एक जर्मन कंपनी है पुरका केमिकल्स, हमने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आ रहे हैं, कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, कुछ हम उनको बता रहे हैं, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स है उसके हवाले से हम ये सारा हमारा है जिसमें सस्टेनेबिलिटी है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अपने ब्रांड के बारे में व्यूअर्स को बताएं जिस ब्रांड के साथ आप काम कर रहे हैं। हमारा ब्रांड का नाम है पुलकरा केमिकल्स और ये बेसिकली एक जर्मन कंपनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके 11 एफिलिएट्स हैं, USA, टर्की, चाइना, इंडिया, मलाइशिया, और यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। तो हमारा बड़ा अच्छा टर्नओवर है, ठीक है ना। हम जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, स्क्वायर है, निशात है, यूएस डैन वगैरह, सबको हम केमिकल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर कॉन्टैक्ट करना हो व्यूवर्स में से किसी ने तो कैसे करें? सर हमारी वेबसाइट है www.pulkrakemicals.com, उसके अलावा मेरा ईमेल आईडी है irfan.jameel@pulkrakem, ठीक है ना। हमारा आप वहाँ पे जाके हमें इंक्वायरी अपनी जनरेट कर सकते हैं और हम आपको इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल रिस्पॉन्स देंगे। जी नाजी, इस वक्त हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद है यहाँ, इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के ना प्रोडक्ट हैं या इन्होंने इनसे इसके बारे में पूछा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आमिर महमूद है। डॉक्टर, ये अपनी स्टॉल के बारे में थोड़ी लोगों को बताएं। जी, हम जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से आए हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोइनफॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से, हमारा जो काम है वो फोकस्ड है माइक्रो एलजी और साइनोबैक्टीरिया पे। पब्लिक की अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगा कि आपने कभी ये पानी के जो वाटर पॉन्ड्स होते हैं उसमें कोई ग्रीन ग्रोथ देखी हो तो उस वो माइक्रो एलजी और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो हमने पिछले 10 साल की एफर्ट से उन माइक्रो एलजी और साइनोबैक्टीरिया को स्टडी किया है और करेक्टराइज़ किया है फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर जो बच्चे इस वक्त डिस्प्ले कर रहे हैं वो यही है कि एक इको फ्रेंडली, लो कॉस्ट, एफिशिएंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है और हमने एक इंडस्ट्रियल मॉडल यहाँ पर प्रपोज किया है। एक दूसरा हमारा प्रपोजल जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं वो स्पिरुलिना के बारे में है। स्पिरुलिना एक इज़ डिक्लेयर्ड एज ए सुपर फूड बाई द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में है कि ये फ्यूचर में एक प्रोटीन रिच फूड सोर्स हो सकती है। तो हमने भी पाकिस्तान से स्पिरुलिना की जो लोकल स्ट्रेन्स हैं उनको आइसोलेट कर किया है, करेक्टराइज़ किया है और उनको स्टडी किया है कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए एज ए फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। यानी
आपके कहने का मतलब जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए बहुत अच्छी अवेयरनेस है और आप ये बहुत अच्छा आपने किया। अच्छा आप कितना टाइम हो गया कि आपको इसका एक्सपेरिमेंट कोई किया आपने? जी हमने 10-11 साल से इसमें काम कर रहे हैं और इस वक्त जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो इस हद तक हम आ गए हैं कि अब किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर हम इसको अपस्केल करें ताकि प्रोडक्ट लॉन्च की जा सके। अच्छा अगर किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना उसका मेथड क्या है? जी हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर मेरा ई मेल एड्रेस है, अगर मेरा नाम सर्च करेंगे गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, तो हम बाकी हमारे डिपार्टमेंट का वेब पेज है तो वहाँ पर मिल सकता है इसलिए। नाज़रीन एक और हम जगह आए हुए हैं और यहाँ जो बहुत अच्छा है यहाँ देखेंगे इन्वायरमेंट है, यहाँ बात करके इनके ब्रांड के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम आपका? अदील शहजाद। अदील भाई सबसे पहले व्यूअर्स को ब्रांड के बारे में बताएँ। हमारी कंपनी का नाम है CHT पाकिस्तान, बेसिकली ये जर्मन बेस्ड MNC है जो कि पाकिस्तान में हमारा कोर बिजनेस टेक्सटाइल केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग है। तो इसमें इसके हवाले से हमारा जो मेन सेटअप है पाकिस्तान में वो लाहौर में सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट में सुंदर, इसके अलावा हमारे फैसलाबाद और कराची में भी सेल्स ऑफिसेज हैं और हमारा बिजनेस पाकिस्तान के जितने भी बड़े टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो सारे हमारे कस्टमर्स हैं और उनको हम क्वालिटी केमिकल जो है टेक्सटाइल का सप्लाईज़ करते हैं। फ्यूचर में हम एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह और रेंजेस में भी टेक्सटाइल के पैरेलल जैसे पेपर केमिकल्स है उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग पाकिस्तान में इसको एनहांस करेंगे अपने। अच्छा सर इस कितना टाइम हो गया इस ब्रांड को मार्केट के अंदर? पाकिस्तान में CHT 2005 से ऑपरेट कर रहा है और इस वक्त वर्ल्ड वाइड 26 से ज़्यादा मुल्कों में ये हमारी प्रेजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं और हमारे वर्ल्ड वाइड जो हैं 2000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमारा जो है टेक्सटाइल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर हैं हम, क्वालिटी केमिकल्स हैं, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस, साइंस सर्विसेज सॉल्यूशंस और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमारा बड़ी अच्छी ग्रिप है और बहुत अच्छा काम कर रही है CHT। अच्छा कॉन्टैक्ट के बारे में क्या मेथड आपका अगर कॉन्टैक्ट करना हो व्यूअर्स में से किसने आपसे? आप लोग हमारी वेबसाइट www.CHT.com पे जो है इसको विज़िट कर सकते हैं, इस पर आपको हर तरह की हमारी वेबसाइट जो है बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और हर तरह की आपको इसमें इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस केमिकल्स के हवाले से, टेक्सटाइल सॉल्यूशंस के हवाले से और जो टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन है उस हवाले से हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको जो है सिंगल क्लिक पे अवेलेबल है इजीली। जी नाज़रीन इस वक्त केमिकल के हवाले से हमारे साथ कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं और उनमें से कि हमारे पास एक और स्टूडेंट है माशाल्लाह बड़ा इनोसेंट फेस है, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? मोहम्मद जुनैद बिशारत। मैं यूनिवर्सिटी शारब जी ज़रा बताएं ये जो है यूनिवर्सिटी के वाले जो अभी ये इंट्रोडक्शन करा रहे हैं वो ज़रा आप बताएं लोग व्यूअर्स को इसके बारे में। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं इस वक्त पाकिस्तान केमिकल एक्सपो के अंदर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाय शोइंग सम पोस्टर्स। अब ये जो पोस्टर्स हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ये एज अ कूलिंग टावर्स को रिप्लेसमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो है एज अ ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है और वाटर को भी सेव करती है, ये शहरों के अंदर जो गर्मी है उसको भी कम करने के अंदर हेल्प आउट करती है। तो ये जितनी भी हमारे जो है ये एप्लीकेबल हैं यानी कि ये इंडस्ट्रियली कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और एप्लीकेबल भी हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जियोथर्मल भी हैं और आर्डिनोस भी लगे हुए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन के भी हमने पोस्टर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और हमारे पास जो है वो वेस्ट कुकिंग ऑयल जो है क्योंकि लाहौर जो है इस प्रोड्यूसिंग मोर देन थाउजेंड्स ऑफ किलो जो है वेस्ट ऑयल प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हम उसको जो है वो बायोडीजल के अंदर कन्वर्ट करके एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव जो है वो देना चाह रहे हैं ताकि एक जो पोल्यूशन काज होती है स्मोक की वो इससे कम हो जाती है। अच्छा आप पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इस चीज़ का? जी हाँ इसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं बल्कि बेहतरीन इनके अंदर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये प्रैक्टिकल हैं बल्कि इनमें से बहुत सारे तो इंडस्ट्रियली यूज़ हो रहे हैं, कुछ पाकिस्तान में यूज़ नहीं हो रहे लेकिन बाहर यूज़ हो रहे हैं। हमारे व्यूअर्स में से किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करना तो उसका क्या मेथड है? उसका मेथड ये है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के ICET डिपार्टमेंट के अंदर भी विज़िट कर सकता है और आपको हम ईमेल भी वगैरह भी कर सकते हैं और फ़ोन नंबर वगैरह भी दे कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन एक्सपो में एक और आउटलेट में हम मौजूद हैं, हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनसे इनकी डिटेल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? हसनैन नाम है मेरा और SRC में हेड ऑफ मार्केटिंग हूँ मैं। अच्छा हसनैन भाई ये आज एक्सपो का फर्स्ट डे है जी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है? अभी तो बेसिकली स्टार्ट हुई है, प्रेसिडेंट साहब आए थे इनॉग्रेशन के लिए विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि गवर्नमेंट भी एक इनिशिएटिव ले रही है केमिकल साइड को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए। तो बाकी अभी तो फर्स्ट डे है, अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
बाकी ये कोई उस तरह की कंज्यूमर वाली बेस तो एग्जीबिशन है नहीं। इसमें व्हाट वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर के एक बी टू बी कनेक्ट हो, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, जिसमें वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आवर सप्लायर्स, ठीक है, हमें वो भी एक कुछ नए मिलने चाहिए। लॉजिस्टिकल इशूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन को भी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो वो सारी भी इसका पार्ट होगी। बाकी कुछ कॉन्फ्रेंसेज भी आगे, वो भी देखते हैं किस तरह होती हैं। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट योर ब्रांड एंड टेल व्यूअर्स अबाउट योर ब्रांड। ठीक है, SRC जोंसी है, इस फुल जो नाम है इसका वह शफी रेजो केमिकल्स, ठीक है, और ये पार्ट है सदीक शफी ग्रुप का, ठीक है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स सिंस 1992 से, हम केमिकल बना रहे हैं जिसमें लेदर डुएन है, उसके बाद हमारा होम केयर हाइजीन का एक ब्रांड है साफ एंड सेफ के नाम से, उसके बाद हमारा कार केयर का एक ब्रांड है साइडेक्स के नाम से, देन उसके बाद हमारे एडहेसिव में डिफरेंट रेंज है जिसमें वुड पॉलिशेस भी हैं, ग्लू भी है, और उसके बाद डिफरेंट फिलर्स भी हैं, और देन उसके बाद एक मेजर जो एक हमारा चंक समझ लें वो है लेदर केमिकल्स। तो ये हम बेसिकली मैन्युफैक्चर। व्यूअर्स में से अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता आपसे तो क्या मेथड है उसका? एक्चुअली जो नॉर्मल कंज्यूमर है जिसमें FMCG साइड पे देखें तो उसमें हमारा जो ब्रांड है वो साफ एंड सेफ है, वो आपको तमाम LMTs और IMTs पे अवेलेबल है। अगर आप दूसरी साइड पे आ जाते हैं कार केयर के लिए तो हमारे जो मेजर है ब्रांड वो है साइडेक्स, वो पार्क व्हील्स पे भी अवेलेबल है, द्रास पे भी अवेलेबल है, जितने भी ऑटो पार्ट शॉप हैं वहाँ पे अवेलेबल है, पेट्रो मार्ट्स पे भी। देन उसके बाद जो वुड है वो हमारी तमाम के तमाम हार्डवेयर जो बेसिकली शॉप्स होती हैं वहाँ पे वो भी अवेलेबल है। तो हमारी बेसिकली वो कुछ लाइंस हैं जो कि नॉर्मल कंज्यूमर के लिए लिंक अप होती हैं, लेकिन बाकी हमारा जो बिज़नेस है वो हार्डकोर B2B है, बिज़नेस टू बिज़नेस है। नाइन्टी फोर न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।